जोहर की नमाज के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफा कर लें, इन्ना अपैना कल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफा है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, वो चीखे मारते हुए आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लेना, किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना, तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी दुनिया देखेगी। फौरन जो भाई बहन भाई चाहते हैं तो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जो जिंदगी है इसमें वो खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें। तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज जहर के फौरन बाद आप ये वजीफा पढ़ें, जैसे ही जहर की नमाज हो जाए नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें, चाहो तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं, अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़ी गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिस्क के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नागरिन को सूरतुल कौसर का वो ख़ास वजीफा बताने लगा हूँ, आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन यह वजीफा आपको पढ़ना है। पूरी जिंदगी में यह वजीफा आपको, ये नहीं कि आपको रोजाना पढ़ना है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफा जो है, आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है। इंशाल्लाह एक मर्तबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरन हल हो जाएगी। कितनी भी पैसों की तंगदस्ती हो, फकीर बन गए हो, तो ये आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी उसको, अगर वो रात को ये वजीफा पढ़ के सोएगा, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह वजीफा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं, रिस्क और दौलत को लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, रिस्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद आजमूदा मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आजमूदा वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं है। आप लोगों ने ये बहुत ही आसान सा वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा अगर होता तो मैं आपको जो तरीकेकार बताऊंगा वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल वो इस वजीफे को कर लेगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक से आज का ये खास वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अजीब वजीफा है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलो कदर अमल है कि हमारी जैसी नाक की जबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज्यादा खैर व कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयत की सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देता है। ये इतना ताकतवर परीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है। लेकिन ये लाखों करोड़ पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माल और दौलत बेहिसाब अता फरमाई और हलाल अता फरमाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फरमाबरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाल्लाह दुआएं दोगे अपनी ज़िंदगी में। इस वजीफे को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाज़रीन इसके बारे में
किसी को जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ के देख लेना कि सूरतुल कौसर का वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हुए अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाजरीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की, इन हाजतों की नियत कर लेना कि मेरी ये हाजत है, मेरी ये मुराद है। तो प्यारे दोस्तों, छोटा सा वजीफा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाल्लाह यही वजीफा खत्म होगा, वहां इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी दुआएं दोगे, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी अगर मांगने में लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद ताले और बंद दरवाजे जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने के फौरन बाद ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना, बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नजरे नजरे बद होगी, वो भी इंशाल्लाह खत्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और खास वजीफा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बताने लगा हूँ। नमाज जोहर मेरे भाइयों मस्जिद में अदा कर लें, और मेरी बहनों जो वो सुकून से बैठकर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें। हर वक्त की मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ ले, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफा असर से पहले पहले कर ले। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करें, घर में जब पढ़ती हैं वजीफा तो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें और चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। नाज़रीन, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफे के साथ आप कोई दूसरे वजीफे भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहें। जो वजीफा आप पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं, मतलब दिन में आपने दोपहर में शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ़ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ़ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफे को पढ़ने की, कि इस दिन आप जो है वो ये वजीफा नहीं कर सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आपकी हाजतें हों उनकी नियत कर लें। मिसाल के तौर पर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नियत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो आपकी हाजतों की जो भी नियत है वो कर लें, उसके फौरन बाद आपने तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएँ जाए नमाज के बाद, और जाए नमाज पढ़ने के बाद चाहे नमाज से बैठे बैठे या फिर मस्जिद में बैठे बैठे आप लोगों ने इस अमल को कर लेना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक सेकंड की भी वीडियो अब अगर आप लोगों ने स्किप करी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो लिहाजा आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है, आगे बड़ा बड़ा के नहीं देखना। अगर पहले आप लोगों ने देखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले भी जो मैंने आपको बातें बताई वो सारी बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 3-3 मरतबा पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल कौसर को 1 मरतबा पढ़ लेना है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसके बाद आपको ये वजीफा 11 मरतबा पढ़ना है, या गनी हो आप लोगों को पढ़ लेना है।
अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफा है नाज़रीन, बहुत ही आसान सा वजीफा है, दूसरी मरतबा आप लोगों को सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है मुकम्मल देखकर अच्छी तरह से अच्छी तरीके से, और उसके फौरन बाद जो दूसरा वजीफा आप लोगों को पढ़ना है वो या वहाबू या वहाबू या वहाबू 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है तीसरी मरतबा, उसके बाद जो इसम पढ़ना है वो पढ़ना है या रहमानू या रहमानू या रहमानू 11 मरतबा या रहमानू पढ़ना है, उसके बाद एक मरतबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या फिर अव्वल में आपने जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार आप लोग दुरूद इब्राहिमी आखिर में भी पढ़ लें, कोई गलती नहीं करिएगा। आप लोगों को जो तरीक़ेकार बताए उस तरीक़ेकार के साथ ही आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। और प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के रिस्क में रोजी रोजगार में बेशुमार की बरकतें अता फरमाए, वसअतें अता फरमाए। जो मेरे बहन भाई रिश्ते के लिए परेशान है अल्लाह पाक उन सबको नेक साले रिश्ते अता फरमाए, और जो बहन भाई भी औलाद जैसी दौलत से महरूम है अल्लाह पाक उन सबको नेक साले औलाद अता फरमाए, हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, हमेशा सिरात मुस्तकीम पर चलाए, मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, जन्नतुल बकी से उठाए और अल्लाह पाक के कहर से बचाए, जहन्नम के अजाब से बचाए और रोज़े हशर की हमें जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।